हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजू स्वामी। आज जो अपन वर्क करेंगे कोशी इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड पॉजिटिव टर्म लाइन के अंदर इस टाइप से हो F1, F2, F3। ये कुछ सीरीज की अपने को F1 कैसा होगी, डिक्रीजिंग एंड N इज इंक्रीजिंग, यानी N की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो जो टर्म्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती रहे, या ये जो वैल्यू की इस टाइप से हो जैसे एन टू वन टू इंफिनिटी Fn। तब ये कोशी इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है कि ये जो समेशन है उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में, लिमिट भी वैसे लगा देंगे अपन, n की जगह x पुट कर देंगे और लिमिट क्या जाएगी 1 से इनफिनिट fx dx। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर फाइनाइट आती है तो अपन कहेंगे कन्वर्जेंस है, अगर इसकी वैल्यू प्लस या माइनस इंफिनिटी आ जाती है या अनडिफाइंड आ जाता है तब अपन कह देंगे सीरीज कैसी है जो आपको गिवन है वो डाइवर्जेंस है। तो एक इजी सा पैटर्न है और ये एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है गेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में। तो इसके बेस पर अपन में सॉल्व करें टू निकल ले रहा हूँ मैं, तो दोनों निकल क्या है, एक फर्स्ट वाला निकल ये है और सेकेंड वाला निकल ये वाला सॉल्व आउट करेंगे अपन, तो आपको ये कंसेप्ट भी इसका क्लियर हो जाएगा। तो सोल्यूशन की बात करते हैं अपन, क्या रहेगा यहाँ पर सोल्यूशन की बात करें अपन, तो हेयर ये अपने को गिवन है 1/n log n, यानी जो सीरीज आपको गिवन है हेयर यू एन की बात करूं मैं n टर्म्स, तो 1/n log n इस टाइप से लिख सकते हैं इसको आप। अगर कहीं आप समझे एफ एन के फॉर्म से लिखें तो उसको आप एफ से लिखते हैं, है क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर n की जगह 2 से स्टार्ट है तो 2 क्या आएगा, 2 आ गया log 2, फिर 1/3 log 3, 1/4 log 4, यानी इस सीरीज में क्या देखते हो सारी टर्म कैसी है पॉजिटिव है और इससे ये वैल्यू लेस देन यानी 3 का डिवाइड हो रहा है 4 का डिवाइड हो रहा है, तो ये सारी वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग फॉर्म आ रही है, जब अपने पास n क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, 2 रखी तब ये वैल्यू 3 रखी देंगे 4 रखी देंगे, उसका मतलब क्या हुआ जब n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मेरे पास इस टर्म्स की वैल्यू क्या है वो लेस देन आ रही है 2 का डिवाइड 3 का डिवाइड और 4 का डिवाइड। उसको अपन कैसे यूज करेंगे पर? तो यहाँ पर यूज करेंगे कोशी इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। तो कोशी इंटीग्रल टेस्ट में क्या रहता है, इसके अकॉर्डिंग लेट अपन क्या लेते हैं, लेट एफ ऑफ एन, ये एफ एन मान लेंगे अपन, क्या गिवन है यहाँ पर एन लॉग एन, ये एंथ टर्म्स की बात करें अपन एंथ टर्म, देन वी अप्लाई कोशी इंटीग्रल टेस्ट, कोशी इंटीग्रल टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट क्या रहेगा, इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म से, इंटीग्रेशन लिया एफ एन, इसको क्या कर देंगे एफ ऑफ एक्स से और ये वाली वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास डी एक्स, और यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे 2 से, जो भी आपको गिवन है यहाँ पर 2 से लेकर इंफिनिटी तक। अब यहाँ पर एफ है एफ एन भी है तो एक्स क्या हो जाएगा इसका 2 से इंफिनिटी और यहाँ से एक्स और ये log x, तो आई होप ये आपको समझ आएगा क्या वर्क करना है वो, और ये लिया मैंने डी एक्स। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे तो आपने को पता है सब्स्टिट्यूट मेथड का अप्लाई करेंगे अपन, तो वी गेट द सॉल्यूशन, तो क्या रहेगा लेट क्या मान लेते हैं अपन लेट और 1/log x = ये मान लेते हैं log x = क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, फिर क्या हो जाएगा इसका 1/x और ये dx = dt, कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि 1/x और ये dx इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी dt आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा 1/log x t, तो यानी ये वाला इंटीग्रेशन इस फॉर्म से आ जाएगा i = integration 1/t और ये dt log और ये क्या आ जाएगा t आ जाएगा, ठीक है, उसकी लिमिट है अपने पास ये 2 से इंफिनिटी है। अब यहाँ पर देखते हैं अब t को वापस किसमें कन्वर्ट कर देंगे अपन इस log के अंदर, तो यहाँ पर log की वैल्यू जा जाएगी log इनटू ये log आ जाएगा आपके पास log x, क्योंकि अपने पास लिमिट किसकी है ये x की लिमिट है, यानी ये जो लिमिट है वो किसकी है x की ही लिमिट है, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 से इनफिनिटी आ जाएगा और यहाँ से डिफाइन करेंगे इसको तो अपर लिमिट यूज करेंगे तो log इन्फिनिटी माइनस का log और ये log 2, तो ये अपने पास क्या गया इनफाइनिट आ गया, ठीक है, क्योंकि log इन्फिनिटी क्या होता है अनडिफाइंड होता है
तो लोग इंफ्रारेड रखो तो ये भी लिख के आ जाएगी मेरे पास, मौजूदा इंफिनिटी आ गया, ठीक है। क्योंकि और इंफ्रारेड एक ऐसी क्वांटिटी है, इसके साथ कुछ भी प्लस माइनस करें आप क्या हो जाता है, वो इंफ्रारेड हो जाता है। कि इंफ्रारेड के साथ कुछ भी आप प्लस माइनस करें तो अपने पास क्या आ जाता है, इंफिनिटी ही आता है। क्योंकि इंफ्रारेड एक ओशन की तरह बिहेव करता है, समुद्र की तरह, कुछ भी इसमें पानी डालते हैं, जल डालते तब भी क्या रहेगा, समुद्री रहता है। इतना इसमें से निकाल लेंगे पानी तब भी क्या होता है, ओशन की तरह ही रहता है, समुद्री रहता है। तो ये क्या आ गया, दैट मींस द गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो सीरीज कैसी है, मिली डाइवर्जेंस है, तो ये वाली सीरीज डाइवर्जेंस थी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर देखिए सिमिलरली है, सॉल्यूशन की बात करें पर, तो ये आप एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर वन करेंगे तो ई की पावर माइनस वन, फिर टू करेंगे तो ई की पावर माइनस टू, थ्री तो ई की पावर माइनस थ्री, इस तरह सीरीज आ जाएगी। यानी वन बाय ए, वन बाय टू अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस का थ्री अपॉन में ई की पावर थ्री। और यहाँ भी देखते हैं ई की वैल्यू क्या होती है, 2 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन होती है। ये तो प्रोबेबल है कि जो e की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के मिडल में होती है। तो जैसे इनकी पावर आएगी तो इससे क्या होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी, पावर में आएगी 2 और 3 की पावर 2 है 2.5, सपोज करो 2.5 से ज्यादा होती है तो 2.5 पावर स्केल करेंगे तो इससे फिर क्या होगी, लेस देन होती रहेगी। तो यहां पर अपन क्या अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, कोशी इंटीग्रल टेस्ट, ठीक है। कोशी इंटीग्रल टेस्ट के अकॉर्डिंग हियर दैट Let the nth term, ये मान लीजिए अपन nth term b, समझाने के लिए था f n, क्या लेंगे अपन n e के पावर माइनस का n स्क्वायर, नाउ बाय यूजिंग कोशी इंटीग्रल टेस्ट, कोशी इंटीग्रल टेस्ट इसके अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जो भी आपको गिवन है, पहले में 2 गिवन था, अभी आपसे 1 गिवन है, तो 1 से इनफाइनाइट और ये आ जाएगा fx और ये dx, और इसके जो वैल्यू है 1 से इनफाइनाइट fx भी यहां से x e की पावर माइनस का x स्क्वायर और ये dx, सेम उसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लेंगे अपन। ये तो हटा देता हूं यहां से, यहां से क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप तो क्या लेंगे आप, लेट x square is equal to t length 2x dx is equal to dt, अपने पास क्या है x और dx है, तो x dx is equal to dt by 2 आ जाएगा, x dx is equal to dt by 2, तो यहाँ पर put up करेंगे तो i is equal to integration आएगा 1 से infinity और यहाँ से विभिन्न आ जाएगी अपने पास e की power minus t और ये dt। अब लिमिट भी देखेंगे आप, x के देखो आप 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी, x इंफिनिटी रखेंगे तो t की वैल्यू भी क्या आएगी, इनफिनिटी आएगा। तो ये लिमिट भी किसकी आ जाएगी, ये लिमिट x की है विस्पेक्ट टू dx, और ये लिमिट किसकी आ गई अपने पास t की, ठीक है। तो लिमिट तो सेम रहेगी, x के 1 पुट करेंगे तो t 1 आ जाएगा, x इनफिनिटी तो t भी इनफिनिटी। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन पर वैल्यू है e की पावर माइनस t, ये होता है इसका इंटीग्रेशन 1 से इनफिनिटी माइनस का लिमिट, अपर लिमिट e रेज टू माइनस का इनफिनिट, माइनस का लोअर लिमिट, तो यह वैल्यू आ जाएगी और e रेज टू पर ये भी प्रोबेबल है, a की पावर माइनस इनफिनिट है तो वैल्यू 0, a रेज टू इनफिनिटी, इनफिनिटी a रेज टू 0 तो इसकी वैल्यू 1, एक जीरो किसको सकता है 1 2 3 4 e जो भी x y। तो यहां पर इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस में आ जाएगा, यानी e की पावर माइनस 1 और ये हो जाएगा अपने पास 0, ठीक है। ये कहते हैं माइनस का 0 माइनस e की पावर माइनस का 1, माइनस का मल्टीप्लाई करके यहां पर या v से है 1 / e, ये क्या मेरे पास फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू मतलब क्या हुआ, द सीरीज इज कन्वर्जेंस, ये भी रहा इजी से बेटर था, ठीक है। तो कोशी इंटीग्रल टेस्ट है, ये वाली सीरीज कैसी थी अपने पास, करना कुछ भी नहीं है, सिमिलर वो इंटीग्रेशन का नोट हो जाएगा और लिमिट भी सेम रहेगी 1 से इनफिनिटी तक, और इसको फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, अगर वैल्यू फाइनाइट आती है कन्वर्जेंस है, और लास्ट में क्लेम आया था अपने पास सेम सी टेस्ट की अपने, ये कभी रिक्वायर्ड नहीं है आपको,
ये मान लिया आपने एफ एक्स वैल्यू किया, यहाँ पर वैल्यू कैसी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो पर कहेंगे सीरीज इज ए डाइवर्जेंस। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन करें, ताकि अपन जो लेक्चर है उसको और ज़्यादा अपग्रेड कर सके।